पूरी दुनिया अब तक इसराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसकी डिस्ट्रक्टिव जो इमेजेस थी, जिस तरीके की विध्वंसक तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कोई अब तक भूल नहीं पाया, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इसराइल और हमास का युद्ध हो। लेकिन इन सब के बीच में एक तीसरा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको ये बताते हैं। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से एक संयुक्त ऑपरेशन, यानी कि एक साथ एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, जिसमें मोर्चा खुला है यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ। अब आप ये समझिए कि आखिर ये हूती विद्रोही जो है वो है कौन। दरअसल अगर शॉर्ट में समझा जाए तो जिस तरीके से हमास एक आतंकवादी संगठन है, ठीक वैसे ही हूती विद्रोहियों को भी आतंकवादी संगठन ही कहा जाता है यमन में। आप ये समझिए कि यमन में जो है यमन की सरकार का नहीं चलता है, वहां पे जो है आधे से ज्यादा यमन जो है उसमें आधे से ज्यादा जो पूरी तरीके से कब्जा है वो हूती विद्रोहियों का है। यहां तक कि यमन की कुछ जगह जहां पर यमन की सरकार की चलती है, बाकी जगह पर हूती विद्रोहियों का ही चलता है, जिस तरीके से हम हमास का भी देख चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच में समझिए कि आखिर ये लड़ाई की शुरुआत जो है वो कहां से हुई। इस लड़ाई की शुरुआत की नींव जो है वो इसराइल हमास के युद्ध के वक्त ही रख दी गई थी। जिस तरीके से लगातार हूती विद्रोही जो है वो ये बात कह रहे थे कि हम हमास के सपोर्ट में हैं, अब हमास के सपोर्ट में है तो क्या कुछ किया गया। दरअसल लाल सागर वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा तेल का आयात निर्यात किया जाता है, तेल जाहिर सी बात है सबसे बड़ा व्यापार के क्षेत्र में जो है माना जाता है। और ऐसे में ही अब ये कुछ हुआ कि जिस तरीके से इसराइल और हमास के युद्ध की शुरुआत हुई, तो हूती विद्रोहियों ने तमाम वो देश जो सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, उनके जंगी जहाजों, यानी कि जो शिप्स वहां पर तैनात थे, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। 20 से ज्यादा हमले जो हैं वो जंगी जहाजों पर किए गए। बार बार जो है ये कोशिश की जाती रही तमाम देशों की तरफ से कि हूती विद्रोही जो है वो समझ जाए, कि वो जो है बार बार उन्हें कोशिश की जाती रही, बार बार बात करने की कोशिश की जाती रही, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, फ्रांस हो, क्योंकि तमाम देशों के जो है जहाज वहां पर उस लाल सागर में मौजूद हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हूती विद्रोही जो है वो समझने को तैयार नहीं थे। अब क्या था, अब कुछ हुआ इस तरीके से कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में लगातार कई मीटिंग्स हुई और ये डिसाइड किया गया कि अब हूती विद्रोहियों को जो है सबक सिखाना होगा। तो यमन में घुसकर जो है अमेरिका और ब्रिटेन ने एक ऑपरेशन चलाया। ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल ये जो प्लेन टेक ऑफ होता हुआ आप देख रहे हैं, ये अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त ऑपरेशन का ही जो एक प्लान है, जिसमें ये जो है बेसमेंट से टेक ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने सीधे मिसाइलें दागी हैं यमन के अंदर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर। जिस तरीके से इसराइल में हमने देखा था कि हमास के ठिकानों पर जो है यहां तक कि, यानी कि समझे, जहां ठिकाने वो होते हैं जहां पर लोग रहते हैं, यानी कि जहां पर हूती विद्रोही जो है वो लगातार रह रखे हैं, उनको लेकर जो है अब ये कोशिश की जाती रही। लेकिन इन सब के बीच में आप ये समझिए कि अब ऐसे में इसका असर जो है वो दुनिया पर क्या होगा, क्योंकि तेल आयात निर्यात की बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र जो है वो तेल का ही है, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन अब जब इतने ज्यादा जंगी जहाजों को निशाना बनाया गया और अब जब अमेरिका और ब्रिटेन साथ आकर ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि हूती विद्रोही जो है वो भी चुप नहीं बैठेंगे और आने वाले दिनों में अरब सागर में और भी लड़ाई जो है वो तीसरे मोर्चे पर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है।